हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों? क्या आपका सिस्टम बार बार करप्ट होता रहता है और अपने विंडोज का इंस्टॉलेशन आपको बार बार करवाना पड़ता है, या फिर वायरस इन्फेक्शन की वजह से आपका सिस्टम अनयूजेबल हो जाता है? ऐसे में आप बार बार अपने टेक्नीशियन को बुलाते हैं और पैसे खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि इलाज से बेहतर बचाव है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आपको किसी भी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कभी भी आपका सिस्टम खराब होता है तो इन फ्यूचर के अंदर आप ये वीडियो देखने के बाद अपने सिस्टम को खुद से ही ठीक कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिस्टम रिकवरी इमेज और सिस्टम रिकवरी डिस्क के बारे में। दोस्तों, जब भी हमारे विंडोज का हम रीइंस्टॉलेशन करवाते हैं तो उसके साथ हमें ड्राइवर्स का रीइंस्टॉलेशन भी करवाना पड़ता है, और जो हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उसे भी हम रीइंस्टॉल करवाते हैं। तो ऐसे में तकरीबन 2-2.5 घंटे हमारे वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ना ही आपको अपने विंडोज का रीइंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा, ना ही ड्राइवर्स का, ना ही सॉफ्टवेयर का रीइंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा। आप खुद से अपने ही सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम दो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। पहला है सिस्टम रिकवरी डिस्क और दूसरा है सिस्टम रिकवरी इमेज। पहला जो है सिस्टम रिकवरी डिस्क, ये एक बूटेबल रिकवरी मीडिया है विंडोज 10 के लिए। जब भी आपका सिस्टम अनयूजेबल हो जाता है या फिर बूट नहीं हो रहा होता है, तो हम सिस्टम रिकवरी डिस्क की मदद से अपने सिस्टम को रिपेयर कर सकते हैं और या फिर किसी बैकडेट के अंदर अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरी चीज होती है सिस्टम रिकवरी इमेज। तो ये इमेज एक ऐसी इमेज होती है जिसके अंदर जब भी हम इमेज को बनाते हैं, मतलब सपोज कीजिए कि अगर आज मैंने अपने सिस्टम की इमेज बनाई, तो वो इमेज हम इन फ्यूचर में काम ले सकते हैं। और जब भी हमारा सिस्टम कभी करप्ट होता है या फिर अनयूजेबल हो जाता है या फिर बूट नहीं कर रहा होता है, तो हमने जो रिकवरी इमेज बनाई है रिकवरी डिस्क की मदद से, हम उस रिकवरी इमेज को रिस्टोर कर लेते हैं। ऐसे में हमारा जो सिस्टम है वो उसी पोजिशन के अंदर दोबारा से रिस्टोर हो जाता है जिस पोजिशन के अंदर हमने वो रिकवरी इमेज बनाई थी। तो इससे आपका टाइम भी बचता है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि रिकवरी डिस्क और रिकवरी इमेज बनाना काफी आसान है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम रिकवरी डिस्क और रिकवरी इमेज बना सकते हैं। आज जो हम सिस्टम रिकवरी इमेज बनाने जा रहे हैं, इसकी खास बात यह है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है और ना ही अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत है। जिस समय आपने इसकी इमेज बनाई है, मतलब जो अपने विंडोज की रिकवरी इमेज हम बनाएंगे, तो उस टाइम पर जो भी हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद होगा, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर है, उन सभी की इमेज एज इट इज ये बन जाती है। और जब भी हम इसे रिस्टोर करेंगे तो वो सभी सॉफ्टवेयर हमें उसी कंडीशन में मिल जाते हैं जिस कंडीशन के अंदर हमने रिकवरी इमेज बनाई थी। और सबसे खास बात यह है कि यार दोस्तों, इसको रिस्टोर करने में जो लगने वाला टाइम है वो भी काफी कम है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर आपका टोटल सिस्टम रिस्टोर हो जाता है। तो ऐसे में काफी कम टाइम के अंदर आप अपने सिस्टम को पहले की तरह हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं सिस्टम रिकवरी इमेज। तो सबसे पहले हम हमारी विंडोज की इमेज फाइल बनाएंगे। तो इमेज फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमें कंट्रोल पैनल को ओपन करना होगा। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद हमें ऊपर की तरफ एक ऑप्शन नजर आएगा बैकअप एंड रीस्टोर का, इस पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप की तरफ हमें ऑप्शंस नजर आएंगे क्रिएट ए सिस्टम इमेज एंड क्रिएट ए सिस्टम रिपेयर डिस्क। तो यहां पर हमें क्रिएट ए सिस्टम इमेज के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक विजार्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है वेयर डू यू वांट टू सेव द बैकअप। यहां पर आपको अलग अलग तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ऑन ए हार्ड ड्राइव, ऑन ए सीडी डीवीडी या फिर ऑन ए नेटवर्क लोकेशन। तो यहां से आप जिस भी लोकेशन पर अपने इस इमेज को सेव करना चाहते हैं वो टारगेट आपको चूज कर लेना होगा, और उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो इसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर कंफर्मेशन पूछ रहा है, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है द बैकअप कुड टेक अप टू 22 GB ऑन द डिस्क स्पेस। तो यहां पर आपको ये चेक कर लेना है कि आप जो भी टारगेट चूज कर रहे हैं उसके अंदर मिनिमम इतना स्पेस खाली होना जरूरी है, और इसके बाद आपको स्टार्ट बैकअप के ऊपर क्लिक करके बैकअप प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, डू यू वांट टू क्रिएट ए सिस्टम रिपेयर डिस्क। ए सिस्टम रिपेयर डिस्क कैन बी यूज्ड टू बूट योर कंप्यूटर। इट आल्सो कंटेन विंडोज सिस्टम रिकवरी टूल्स व्हिच कैन हेल्प यू रिकवर विंडोज फ्रॉम ए सीरियस एरर और री इमेज योर कंप्यूटर फ्रॉम ए सिस्टम इमेज। हमें यहाँ पर सिस्टम रिपेयर डिस्क बनानी है, लेकिन हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप सिस्टम रिकवरी डिस्क या फिर रिपेयर डिस्क बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमने हमारा पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। सिस्टम रिकवरी इमेज बनाने के बाद हमें सिस्टम रिकवरी डिस्क बनाना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम सिस्टम रिकवरी डिस्क भी बना सकते हैं। बैकअप एंड रिस्टोर के अंदर जो क्रिएट ए सिस्टम रिपेयर डिस्क का ऑप्शन आता है, इससे डीवीडी बनती है जो हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम यहां पर पेन ड्राइव को रिकवरी डिस्क बनाने वाले हैं। तो मैं यहां पर एक अलग ऑप्शन चूज करने वाला हूं,
तो यहाँ पर हम इसे कैंसिल कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम 8 GB या उससे ज़्यादा की पेन ड्राइव का इस्तेमाल करने वाले हैं और सिस्टम के अंदर हमें हमारी पेन ड्राइव को कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद एक बार फिर से हमें कंट्रोल पैनल ओपन करना है। ओपन करने के बाद रिकवरी वाले ऑप्शन के अंदर हमें जाना है। रिकवरी वाली ऑप्शन के अंदर हमें सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए रिकवरी ड्राइव, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ एक विजार्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्रिएट ए रिकवरी ड्राइव बैकअप सिस्टम फाइल टू द रिकवरी ड्राइव, इस ऑप्शन पर हमें टिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद सिस्टम इनिशियलाइज होने लग जाता है और इसके बाद जो भी हमने हमारी पेन ड्राइव को इंसर्ट किया है वो यहाँ पर अवेलेबल ड्राइव्स के अंदर हमें बता देता है। तो हमें यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है कि जो हमने पेन ड्राइव इंसर्ट की है वही हम ड्राइव लेटर को उसको चुने। तो हम कंफर्म करने के लिए एक बार माय कंप्यूटर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि हमारी पेन ड्राइव का ड्राइव लेटर क्या है। मेरे केस में मेरी ड्राइव लेटर है डी, तो मुझे यहाँ पर डी ड्राइव को चूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर डी को चूज करके नेक्स्ट कर देता हूँ और इसके बाद सिंपली क्रिएट द रिकवरी ड्राइव, ठीक है। इसके बाद मुझे क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। एवरीथिंग ऑन द ड्राइव विल बी डिलीटेड, यानी कि आपकी पेन ड्राइव में जो भी होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और सिस्टम की रिकवरी इमेज तैयार होने लग जाती है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में एवरेज 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक का समय लग सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की पोर्ट की स्पीड प्लस आपने जो पेन ड्राइव लगाई है उसकी डेटा ट्रांसफर रेट पर। इसके बाद एक मैसेज आ जाएगा द रिकवरी ड्राइव इज रेडी। यहां पर हमने हमारा सेकंड स्टेप भी पूरा कर लिया है। दोस्तों जो अभी हमने सिस्टम रिकवरी डिस्क या फिर रिपेयर डिस्क बनाई है इसे हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी हमारा कंप्यूटर बूट नहीं हो रहा हो तो हम इसे स्टार्टअप रिपेयर भी कर सकते हैं, या फिर कभी हमारे सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ी हो जाए किसी अपडेट की वजह से तो हम इस रिकवरी डिस्क की मदद से उन अपडेट को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और अपने सिस्टम को पहले की तरह वापस हेल्दी कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यही बताया है कि कैसे हम सिस्टम रिकवरी इमेज को रिस्टोर कर सकते हैं इस सिस्टम रिकवरी डिस्क के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। जब भी आपको कभी रिकवरी डिस्क और रिकवरी इमेज की जरूरत पड़े तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम के अंदर यूएसबी डिवाइस को इंसर्ट करना होगा, जो हमने रिकवरी डिस्क बनाई है उसे इंसर्ट करना होगा और अपने सिस्टम को उससे बूट करवाना होगा। तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन नजर आएगा चूज कीबोर्ड लेआउट का, तो यहाँ पर आपको यूएस इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, रिकवर फ्रॉम ए ड्राइव, कंटिन्यू, यूज ए डिवाइस, ट्रबलशूट और टर्न ऑफ योर पीसी। तो यहाँ पर हम सिस्टम रिकवरी इमेज का इस्तेमाल करने वाले हैं सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर ट्रबल शूट वाले ऑप्शन में जाना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको अलग अलग ऑप्शन नजर आएंगे, स्टार्टअप रिपेयर, कमांड प्रॉम्प्ट, अनइंस्टॉल अपडेट्स, यूईएफआई फर्मवेयर सेटिंग, सिस्टम रिस्टोर एंड सिस्टम रिकवरी, ठीक है, सिस्टम इमेज रिकवरी। तो यहाँ पर हम रिकवरी इमेज का इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसलिए हमें इस वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। यहाँ पर हम ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपसे सिस्टम इमेज रिकवरी, चूज टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज 10 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इसके बाद आपके सामने एक विजार्ड खुल जाएगा, सेलेक्ट ए सिस्टम इमेज बैकअप, यहां पर ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। वैसे तो जो भी आपने अपने सिस्टम की इमेज बनाई थी और जिस तारीख को बनाई थी वो तारीख यहां पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेती है, लेकिन सपोज अगर आपने एक से ज्यादा बैकअप बना रखे हैं और आप उसके अंदर से चूज करना चाहते हैं कि कौन सी डेट का आपको इमेज का बैकअप रिस्टोर करना है, तो यहां पर आपको सेलेक्ट ए सिस्टम इमेज पर क्लिक करना होगा और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जितनी भी इमेज बनाई होगी सबकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो उनमें से आपको चूज कर लेनी है, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही सिस्टम इमेज बना रखी है इसलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद री इमेज योर कंप्यूटर, इस तरह का मैसेज हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। तो इस पर हमें सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के साथ ही हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है ऑल डेटा ऑन द ड्राइव टू बी रिस्टोर्ड विल बी रिप्लेस्ड विद द डेटा इन द सिस्टम इमेज, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर आपको इस वार्निंग को यस पे क्लिक कर देना है और इसी के साथ आपके सिस्टम की जो इमेज है वो रिस्टोर होना चालू हो जाती है। बस ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका सिस्टम दोबारा से हेल्दी हो जाएगा और जिस भी पोजीशन के अंदर आपने अपने विंडोज की इमेज बनाई थी उसी पोजीशन के अंदर ये रिस्टोर हो जाएगा। तो हमारा सिस्टम भी रिस्टोर हो चुका है और प्रॉपर हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने विंडोज के लिए सिस्टम रिकवरी डिस्क और सिस्टम रिकवरी इमेज बनाकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से इस सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपना समय और पैसे दोनों बचा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, जय हिंद।